नमस्कार। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। श्री कृष्ण क्या थे? श्री कृष्ण एक महामानव जिन्होंने 5000 वर्षों पूर्व भारत भूमि पर जन्म लिया, लेकिन आज भी भारतीय आध्यात्मिक चेतना के स्रोत रूप में हम उन्हें पहचानते हैं। क्या थे कृष्ण? एक ओर हम उन्हें जगत गुरु कहते हैं, एक ओर कहते हैं कि वो हम सबके बंधु हैं, जगत बंधु हैं। एक ओर वो गीता का उपदेश देते हैं तो दूसरी ओर माखन की चोरी करते हैं। एक ओर वे प्रेम की पराकाष्ठा तक पहुँचते हैं तो दूसरी ओर आध्यात्मिकता के गहरे समुद्र की तल से सांख्य का मोती ढूंढ लाते हैं। जो कुछ भी हैं, जिसको जो रूप पसंद है, कृष्ण उस रूप में उनके साथ हैं। और हर भारतीय ये विश्वास करता है कि कृष्ण हमेशा हमारे साथ थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि कृष्ण ने स्वयं कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। विलक्षण थे श्री कृष्ण, लीला पुरुष। उनका हर रूप हमको चमत्कृत कर देता है, तो भला उनके जन्म की कथा क्यों ना विस्मित करने वाली हो। एक कंस के कारागार में जन्मे थे कृष्ण, देवकी और वासुदेव के आठवें पुत्र के रूप में। भादो का महीना था, अष्टमी तिथि, कृष्ण पक्ष और बुधवार का दिन। कृष्ण ने जब जन्म लेने का निश्चय किया, वो घड़ी अद्भुत थी। बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, घनघोर वर्षा हो रही थी कि अचानक सब कुछ शांत हो गया और अचानक आसमान पे तारे चमकने लगे, चांद का उदय हो गया, निर्मल हवा बहने लगी, नदियों का जल पवित्र हो गया, यज्ञशाला की अग्नि स्वयं प्रज्वलित हो गई और देवता पुष्प वर्षा करने लगे। ऐसा लगा जैसे समूची पृथ्वी अपने प्रभु के दर्शन के लिए आतुर है। और ठीक 12 बजे जब वो घड़ी आई तो स्वयं भगवान चतुर्भुजधारी रूप में देवकी और वासुदेव के समक्ष कारागार में प्रकट हो गए। एक अद्भुत प्रकाश कारागार में उत्पन्न हो गया। देवकी और वासुदेव ने प्रभु को प्रणाम किया और कहा, प्रभु शिशु लीला के लिए आपको बालक का रूप धरना होगा। और प्रभु तत्काल एक नन्हे से बालक के रूप में देवकी की गोद में नजर आने लगे। देवकी और वासुदेव ने उनकी हजारों बलैया ली, लेकिन उन्हें तो उनसे अलग करना ही था। तो वासुदेव ने एक कपड़े में लपेटकर उन्हें एक सूप में रखा और उफनती हुई यमुना को वो पार कर गए बिना किसी साधन के, और गोकुल पहुँचे नंद बाबा के धाम, और चुपके से कान्हा को माँ यशोदा के बाजू में लिटा दिया। और इस तरह कृष्ण कारागार से अपने गोकुल धाम की यात्रा उन्होंने पूरी की जन्म लेते ही। ये था अद्भुत जन्म का विवरण। कृष्ण ने हमें युग धर्म को निभाना सिखाया। उन्होंने ये सिखाया कि जब आवश्यक हो तो युद्ध भी जायज है, शांति के लिए, धर्म के लिए, न्याय के लिए। जब सारी राहें विफल हो जाएं तो युद्ध ही अंतिम सत्य रह जाता है, और उस युद्ध को टालने की उन्होंने बहुत कोशिश की। वे शांति दूत बनकर दुर्योधन के पास गए। उन्होंने कहा कि पांडवों को सिर्फ 5 गांव दे दीजिए, कोई युद्ध नहीं होगा। लेकिन दुर्योधन ने अहम भाव में भरकर जब प्रभु को जंजीरों से बांधना चाहा, तो उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया और उन्होंने कहा, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, मित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मोल न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। महाभारत का युद्ध और युद्ध क्षेत्र में कृष्ण का अर्जुन को दिया गया गीतोपदेश,
भारतीय दर्शन का वो जगमगाता पृष्ठ है जिससे सदियां आलोकित हैं। कृष्ण के माथे पर सोहता मोरपंख स्त्री शक्ति का प्रतीक है। स्त्रियों के सम्मान की रक्षा के लिए कृष्ण न कभी हिचके न रुके, उनकी एक पुकार पर दौड़े चले आए। नरकासुर ने जब 16,000 स्त्रियों को बंदी बनाया था, उस समय कृष्ण ने नरकासुर का वध करके उन स्त्रियों को उनके चंगुल से बचाया। लेकिन इस समाज ने, उन स्त्रियों के परिवार वालों ने उन स्त्रियों को अपनाने से मना कर दिया और तब कृष्ण उनके रक्षक बनकर सामने आए। उन्होंने उन 16,000 स्त्रियों का वरण किया पति के रूप में, उनके भरण पोषण का दायित्व लिया और उनके सम्मान की रक्षा की। द्रौपदी को जब बालों से घसीटकर कौरवों की इस विद्वत सभा में लाया गया तो उस सभा में एक से बढ़कर एक वीर थे, विद्वान थे, गुरुजन थे, बुजुर्ग थे, लेकिन सब सर झुकाए बैठे रहे। द्रौपदी दुहाई देती रही लेकिन कोई उनकी रक्षा के लिए सामने नहीं आया। तब वो कृष्ण थे जिन्होंने चीर देकर द्रौपदी के सम्मान की रक्षा की। भगवान कृष्ण की शक्ति है राधा। कहा जाता है कि जहां राधा तहां कृष्ण है, जहां कृष्ण तहां राधा। तो कृष्ण के बिना राधा अधूरी है और राधा के बिना कृष्ण। अगर कृष्ण देह है तो राधा आत्मा, अगर कृष्ण गीत है तो राधा संगीत, अगर कृष्ण बांसुरी है तो राधा स्वर। सब कहते हैं राधा का नाम गीत गोविंद के अलावा किसी वेद पुराण में नहीं है। तो भागवत में एक जिक्र आता है जहां ये कहा गया कि तीनों लोकों को शरण देते हैं कृष्ण, तीनों लोकों के प्राणी शरण पाते हैं कृष्ण के हृदय में। लेकिन कृष्ण किसके हृदय में शरण पाते हैं? कृष्ण शरण पाते हैं अपनी आराधिका के हृदय में, जिसे नाम दिया गया है राधिका। भक्ति भाव में तो कृष्ण साकार दिखाई देते हैं, पर यह कृष्ण तत्व क्या है? तात्विक रूप से कृष्ण क्या है? वो एक सच्चिदानंद विग्रह है, परमात्मा है, गोविंद है, समय और काल की सीमा से परे है। उन्हें स्थूल रूप में हम देख ही नहीं पाते, वो हम सब में है, निराकार रूप में है। और अगर हम ये कहें कृष्ण वह वास्तविकता है जिनका स्वरूप उनकी पूर्णता, पवित्रता, शाश्वतता और मुक्त अवस्था के कारण अलग है। कृष्ण एक पारलौकिक कसौटी चिंतामणि है। उनका नाम सभी इच्छाओं को पूरा करता है। उनका नाम, रूप, गुण और उनकी विशिष्टता, उनकी लीलाओं के आधार बनने वाले विभिन्न भाव उनसे अलग नहीं हैं। वे अद्वैत हैं, निरपेक्ष हैं, अजेय और शाश्वत हैं। छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक धरोहर, पुरातत्व, कला और संस्कृति का आपसे परिचय कराता है हमारा कार्यक्रम हमर चिन्हारी। इसमें हम मुखातिब होते हैं ऐतिहासिक धरोहर, पुरातत्व, कला और संस्कृति के क्षेत्र में विशेष कार्य करने वाली शख्सियतों से। तो देखना ना भूलें कार्यक्रम हमर चिन्हारी, माह के प्रत्येक शनिवार को शाम 6 बजे दूरदर्शन छत्तीसगढ़ में। देखो जानो संगवारी, सुखर हमर चिन्हारी। देखो जानो संगवारी, सुखर हमर चिन्हारी। कृष्ण के बारे में कृष्ण भक्त से बेहतर भला कौन बता सकता है?
आइए सुनते हैं कृष्ण का असली स्वरूप क्या है और सुनते हैं कुछ भजन, कृष्ण भजन और कीर्तन। हरे कृष्णा, सबको जन्माष्टमी का बधाई। आज हम लोग जो है भगवान श्री कृष्ण का जन्म मना रहे हैं। 5000 साल पहले जो है भगवान कृष्ण साक्षात रूप में वृंदावन में, मथुरा नगरी में जो जन्म लिया है, तो भगवान जब जन्म लिया उनके भक्तों के लिए सबसे आनंदमयी एक अनुभव था। उसी अनुभव को जो है हम लोग कलयुग में जो है भगवान कृष्ण की कीर्तन के माध्यम से हम अनुभव कर सकते हैं। तो आज हम लोग भगवान की हरिनाम, हरे कृष्ण महामंत्र और भगवान की गुणगान, उनकी लीलाओं की वर्णन, हमारी गोस्वामियों का लिखा हुआ भजनों को गाकर उसका आनंद हम लेने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। श्रीमते भक्ते वेदांत स्वामिने देनामिने नमस्ते सरस्वते देव गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Krishna
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ताई गौर हरि बो तव बन्धो हे मुरारे कुञ्ज विहारे, हे प्रणत तव बन्धो, हे मुरारे कुञ्ज विहारे, ये प्रणत तव बन्धो।
बिहारे हे प्रणत तव बंदा हे माधव मधु मतन भरेण्यं केशव करुणा सिंधो हे माधव मधु मतन भरेण्यं केशव करुणा सिंधो हे मुरारे कुंज बिहारी हे प्रणत तव बंदो हे मुरारे कुंज बिहारी हे प्रणत तव बंदो दास निकुंजे गुंजति नियतम भ्रमरशतां तिलकांता रासनिकुञ्जे भ्रमरशतां तिलकांता हेहि निभृत पथपान्ता कामियायाशे दर्शन दानम हे मधुसूदन शांता स्वामी मयाचे दर्शन दानम हे मधुसूदन शांता हे मुरारे कुंज बिहारी हे प्रणत तव मुरारे कुंज बिहारी एहि प्रणत तव नवनीरज दर श्यामल सुंदर चंद्र कुसुम रुचि वेशा नवनीरज दर श्यामल सुंदर चंद्र कुसुम रुचि वेशा गोपी गण हृदयेशा गोपी गण हृदयेशा गोवर्धन धर वृंदावन चर वंशीधर परमेशा गोवर्धन धर वृंदावन शर वंशीधर परमेशा हे मुरारे कुंज बिहारी हे प्रणत तव बंदो हे मुरारे कुंज बिहारी हे प्रणत तव राधारंजन कंस निशोधन प्राणतापक चरणे निखिल निराश्रय शरणे निखिल निराश्रय शरणे हे जनार्दन पीतांबर धर कुंजे मंत्र पवने जनार्दन पीतांबर धर कुंजे मंत्र पावने ओहो ये मुरारे कुंज बिहारी हे प्रणत तव बंदो हे मुरारे कुंज बिहारी हे प्रणत तव Hare Krishna, Krishna Krishna.
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम भगवान कृष्ण जो है वो प्रेम के रूप है। भगवान कृष्ण को जिस तरीके से हम जानना चाहते हैं सबसे उत्तम रूप जो है वो प्रेम का रूप है। हमारी गोस्वामियों ने जो है बहुत ही सुंदर एक भजन उन्होंने लिखा है जो भगवान कृष्ण और राधा रानी के बीच का जो संबंध है जो प्रेममयी भाव है उसकी वर्णन करते हुए ये भजन समर्पित है। कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि कृष्ण प्रेममयी राधा 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 मई राधा राधा राधा
बातें हर गुरुवार शाम 6 बजे दूरदर्शन छत्तीसगढ़ पर। पांच हजार साल जब भगवान कृष्ण जन्म अवतार लिया था तो वो ब्रज का माहौल क्या था उसका वर्णन हमारी गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी लिखते हैं बहुत सुंदर तरीके से, जो है जो ब्रज का माहौल है उसका चित्रांकन करते हैं शब्दों में, और शब्दों से जो है जैसे कि हम टीवी देखते हैं उसी तरह से जो है उधर का दृश्य लाइव टेलीकास्ट भगवान की लीला किस प्रकार से हुआ उसका वर्णन बहुत सुंदर भजन के माध्यम से जो है हम गाने का प्रयास करेंगे। पुत्र मुदार मसूत यशोदा समजानी बल्लवत तिरति मोदा। पुत्र मुदार मसूत यशोदा पुत्र मुदार मसूत यशोदा समजानी बल्लव ततिरति मोदा। पुत्र मुदार मसूत यशोदा
पुत्रम उदारम असूत यशोदा, उसका मतलब क्या है कि यशोदा ने जो है एक पुत्र को जन्म दिया है और वो पुत्र सबको जो है आनंदित कर रहा है, पूरा ब्रज को जो है आनंदित। ततो मनोरथ रति, कि पूरा रति मतलब आनंद, सबको जो है आनंद फैला रहा है ये बालक, ये सुंदर छवि, भगवान कृष्ण की सुंदर छवि को निहारते हुए सब लोग। पुत्र मुदार मसूत यशोदा समझानी बल्लव तिरति मोरा, पुत्र मुदार मसूत यशोदा समझानी बल्लव कोप्युपनयति विविधमुपहारम नृत्यति कोपि जनो बहुवारम, कोपि उपनयति विविधमुपहारम नृत्यति कोपि जनो बहुवारम। अगर किसी के घर में कोई शुभ अवसर है तो उसका वर्णन जो है भगवान कृष्ण जब अवतार लिया था तो क्या था माहौल, तो यहाँ रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि कुछ लोग जो है विभिन्न प्रकार की उपहार लेके आ रहे हैं यशोदा और नंद महाराज के घर में, और कुछ लोग नृत्यति कोपा नाच रहे गा रहे। कोप्युपनयति विविधमुपहारम नृत्यति कोपि जनो बहुवारम, कोप्युपनयति विविधमुपहारम नृत्यति कोपि जनो बहुवारम। पुत्र मुदार मसूत यशोदा समझानी बल्लव ततिरति मोरा, पुत्र मुदार मसूत यशोदा समझानी बल्लव ततिरति मोरा, कोपि मधुर मुपगायति गीतम विकिरति कोपि दधिनवनीतम, कोपि मधुर मुपगायति गीतम विकिरति कोपि सदधिनवनीतम। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कोपि मधुर गीतम मधुर तरीके मधुर आवाज में जो है गायन कर रहा है गीत गा रहा है, और कुछ लोग दधिनवनीतम, कुछ लोग जो है मक्खन और मिश्री और दही दही को जो है आपस में लोगों के बीच में जो है आपस में छिड़क रहे हैं। कोपि मधुर मुपगायति गीतम विकिरति कोपि दधिनवनीतम, कोपि मधुर मुपगायति गीतम विकिरति कोपि सदधिनवनीतम। पुत्र मुदार मसूत यशोदा समझानि बल्लव ततिरति मोरा, पुत्र मुदार मसूत यशोदा समझानि बल्लव ततिरति मोरा, कोपि तनोति मनोरथ पूर्तिम पश्यति कोपि सनातन मूर्तिम, कोपि तनोति मनोरथ पूर्तिम पश्यति कोपि सनातन मूर्तिम। और कुछ लोग जब भगवान की जो सुंदर छवि है उसको देखते हुए जो है लोगों को विभिन्न प्रकार की दान दे रहा है, कोई जो है बहुत पैसा दे रहा है कुछ दान कर रहा है, और कुछ लोग भगवान की ये सनातन मूर्ति भगवान की ये शाश्वत रूप देखिए निहार रहे। कोपि तनोति मनोरथ पूर्तिम पश्यति कोपि सनातन मूर्तिम, कोपि तनोति मनोरथ पूर्तिम पश्यति कोपि सनातन पूरा
सारा सृष्टि में जो है उल्लास भरा माहौल है, आनंद माहौल है। तो आनंद माहौल में बोलिए नंद की आनंद भयो, नंद की आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की,
चंद्र भगवान की जय। कृष्ण की इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति हमेशा वर्तमान है, लेकिन वो मानवीय तर्कों से नहीं पाए जा सकते। भगवान को सिर्फ भक्ति से पाया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। जब तक हम तर्क करते रहेंगे, कृष्ण हमसे दूर रहेंगे। तो आइए इस जन्माष्टमी हम कृष्णमय हो जाएं, कृष्ण भक्ति में खो जाएं और पालें उस कृष्ण को जो समस्त जीवों को कल्याण का स्वरूप है, जो हमें मुक्ति का मार्ग दिखाता है, हमें मोक्ष प्रदान करता है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम। कृष्णा